آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتأخرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، کل ہم نے مد متصل کے بارے میں بات کی اور یہ بتایا کہ اسے کیوں متصل کہا جاتا ہے اور اسے واجب کیوں کہا جاتا ہے، اگر وصل ہو، اور اگر وقف ہو تو اس میں کیسے جائز ہے چھ حرکات تک مد کرنا، اور اگر نہ کرے تو چونکہ واجب نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آج بات کر رہے ہیں مد منفصل کی. مد منفصل، پہلے اس کی تعریف، تعریف اس کی یہ ہے، ما جاء، جس میں آئے گا ما جاء فیہ، فیہ بعد حرف المد، بعد حرف المد، حرف مد کے بعد جس میں آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ لیکن ابھی وہ نہیں کہا ہے، اب کہے گا. بعد الحرف المد حمزتون متصلتون، متصلتون عنہو، عنہو، عنہو اس سے، کس سے؟ یہ متصل نہیں ہے، ایک منٹ ایک منٹ، یہ منفصل ہے. منفصلتون کس سے؟ ہاں جی، کس سے منفصل؟ منفصلتن عنہو، عنہو اس سے، کس سے؟ منفصل ہے حمزہ، کس سے منفصل ہے؟ یعنی دور، الگ. عنہو، ہو کس کی طرح پلٹ جائے گا؟ ہاں ہاں، اونچا بولا کرو، ایسا مت کہا کرو کہ اگر ٹھیک ہوا تو چلے گا، نہیں ٹھیک ہوا تو بھی چلے گا، کیونکہ سنا نہیں جائے گا. انہو بالکل، ہاں پلٹے گا حرف مات پر. یہ ضمیر جو ہے یہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، پلٹ جائے گا تو یہ اس طرف رجوع کرے گا. انہو، لیکن یہ حمزہ کہاں ہوگا؟ فی اول الکلمۃ الثانیہ، کلمۃ الثانیہ، مد منفصل کیا ہے جی؟ مد منفصل کی تعریف کیجئے. اس کی تعریف یہ ہے کہ ما جاء فیہ، وہ
जिसमें आ जाएगा बाद हर्फ़ मद के बाद क्या आ जाएगा, हमज़तुन मुनफसिलतुन, हमज़ा आ जाएगा लेकिन मुनफसिल अलग। वो अलग कहाँ आएगा, आनहु यानी उस हर्फ मद के मुकाबले में, फी अव्वल कलिमत सानिया, ये कलिमत अव्वल में हर्फ मद, कलिमत अव्वल में हर्फ मद और कलिमत सानिया में इब्तिदा में ही आ जाएगा हमज़ा। तो चूँकि इब्तिदा में आ जाएगा उसका मतलब है हर्फ मद के साथ आएगा लेकिन दूसरे कलमे में, चूँकि कलमे अलग अलग हैं इसलिए मुनफसिल हैं, मुतसिल नहीं हैं, जुदागान हैं, अलग अलग हैं। ये एक कलमा में है और ये दूसरे कलमे में है, अव्वलु कलिमत सानिया, फी अव्वले अव्वलेल कलिमत सानिया, जो दूसरा कलमा है उसके इब्तिदा में ये हमज़ा आएगा और ये मगर होगा मुनफसिलतुन आनहु, अलग होगा इससे हर्फ मद से। जब ऐसी सूरत में आ जाएगा हमज़ा तो उसे मद्दुल मुनफसिल कहते हैं, या अरबी फारसी में लिखेंगे आल काट के मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल। सही, क्लियर हो गया, अब मिसालों से और क्लियर हो जाएगा। दो तीन मिसालें देंगे तो एक मिसाल ये आय कुरानी का ये हिस्सा है, आप आम तौर पर इसे सुनते रहते हैं, इन्ना अरसलना, क्या अरसलना के शाहिदन, इन्ना अरसलनाके शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, इन्ना अरसलनाके शाहिदन। इसका एक हिस्सा हम लेंगे, ये काफ़ी है। तो किस जगह है हर्फ मद मुनफसिल, यहाँ हमज़ा किस जगह है, ये वाला है ना, चलो ठीक है। और इसमें हर्फ मद कौन सा है, इन्ना का अलिफ, इन्ना नून दो है उसके बाद ये हर्फ मद है, तो गोया अगर हम मद लिखना चाहेंगे तो यूँ लिख सकते हैं, तो ये हर्फ मद और ये हमज़ा, हमज़ा ही नहीं ये, तो ये एक कलमे में इन्ना एक कलमा है, अरसलना का दूसरा कलमा, ये पहला कलमा ये दूसरा कलमा, मा जा अफी हाजल हमज़ा, मा जा अफी बादल हरफिल मद अलिफ, हमज़तुन ये हमज़ा आ गया, मुनफसिलतुन अलग, इन्ना के कलमे में नहीं बल्कि दूसरे कलमे के अंदर, मुनफसिल अलग अलग, मुतसिल नहीं, आनहो आनहो यानी इस अलिफ से, अलिफ से मुनफसिल, अलिफ से जुदा होकर, अलिफ से दूर आ जाता है। फी अव्वलेल कलिमत सानिया, कलिमतुल अव्वल है इन्ना और कलिमतु सानिया है अरसलनाक है, तो अरसलनाक का जो दूसरा कलिमतु सानिया है उसके अव्वल में इब्तिदा में ये आता है, ये हमज़ा, समझा रहे हैं। तो ये दूसरे कलमे में आने की वजह से मद मुनफसिल कहलाता है, अगर एक ही लफ्ज़ में होता, एक ही कलमे, कुल कलमा का मतलब है लफ्ज़, एक ही लफ्ज़ में होता, एक ही कलमे में होता तब ये मद मुनफसिल नहीं था बल्कि मद मुतसिल था, लेकिन यहाँ चूंकि दो कलमों में है, दो चीज़ें दो कलमों में है, हर्फ मद एक कलमे में और हमज़ा दूसरे कलमे में, इसलिए उसको मद मुनफसिल कहा जाता है। ये एक मिसाल, अब दूसरी मिसाल ये भी बहुत मशहूर है, ये टुकड़ा का आयत का दरस अखलाक में कहा जाता है, ओ अनफुसकुम अनफुसकुम व अहलीकुम वाहलीकुम नारा, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, ओ
अनफुसकुम व अहलीकुम, अनफुसकुम व अहलीकुम। कौन सा मकाम है मादी मुनफसिल का? सभी कोशिश करें ना, एक ही करता है बाकी कुछ काम ही नहीं। कू यानी ये है हर्फ मात और ये है हमजा, ये आप कहना चाहते हैं। और यहाँ भी भाव है उसके बाद हमजा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वाला मद्दी है क्योंकि साकिन है, और ये तो वाव मुतहरिक है इसलिए ये हर्फ मद्दी नहीं है। यहाँ ये वाव कौन सा हर्फ है? ये वाव कौन सा हर्फ है? हर्फ मद्दी नहीं है तो फिर कौन सा हर्फ है ये? शबाश। हाँ ये हर्फ हरूफ शफविया में से एक है, हरूफ शफ। कू अब ये कू के बाद ये जो अलिफ है, ये आपको मैंने कहा कि ये जायद है, ये बताने के लिए कि ये जमा मुखातिब, बताने के लिए कि ये जमा मुखातिब है, समझ रहे हैं भाई? और ये वाला दूसरा अनफुसकुम, ये वो अपना हमजा आ गया, तो लिहाजा कहीं धोखा न खाए कि यहाँ ये अलिफ है इसका मुकाम क्या है। ये अलिफ असल में है ही नहीं, ये जायद है, जायद यानी इजाफी, ये असल में हरफ नहीं है, वहाँ लाया गया है पहचान के लिए। किस चीज़ को पहचाना? कि ये जो कू है, लफ्ज़ कू ये फ़ैल है, फ़ैल फ़ैल अमर हाजिर मुखातिब, अमर जमा हाजिर मुखातिब, बात जिनसे कर रहे हैं बहुत सारे हैं मोमिनीन है सब के सब, इन सभी से खुदा कह रहा है कू आप सब लोग बचाओ, अनफुसकुम एक अपने नफूस को अपने आप को, व अहलीकुम अपने अपनी आयाल को, आपके घर में लोग होंगे उनको भी बचाओ, किससे? नारन आग से, जहन्नम की आग से बचाओ। कू कू लजे बचाओ, आप सब बचाओ, ठीक है कि नहीं? तो दूसरा जुमला। और तीसरा जुमला ये भी बहुत अहम है इस लिहाज से कि कभी कभी हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिनका हमारे पर हक है, उनका हमारे पास हक है, हम उनको भूल जाते हैं और वो हक अदा ही नहीं करते। ये भी दरस अखलाक में बहुत अहम आयत है, वल्लदीना वल्लदीना फी अम्वालहिम, कभी मीम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ये ऊपर चढ़ा के दूसरा इसके पर लल यहाँ साथ में लेके, अम्वालहिम हक़ुम मालूम, हक़ुम मालूम, हक़ुम मालूमुन। वल्लदीना और यही वो लोग भी हैं, फी अम्वालहिम जिनकी माल में से हक है, मालूम जो मालूम है उनके अम्वाल में किसी का हक है और वो मालूम है क्या है, किसका हक है लोगों के अम्वाल में? हाँ जी है? है? वो ठीक है लेकिन खुदा अपने हक को इस तरह नहीं ढूंढता है, वो हमेशा औरों के लिए सिफारिश करता है। आपके पास माल है, किसका हक है उसमें? हाँ जी हाँ? बहुत अच्छे, जो कि मुस्तहक होंगे, गरीब होंगे, नादार होंगे, पसमानदा होंगे, मुस्ताज़ाफ होंगे, उनका हक होता है अमीरों के माल में, जो मालदार होते हैं उनके माल में उन लोगों का हक होता है, हमसायों का हक होता है, मिस्कीनों का हक होता है, बेवाओं का हक होता है, कमज़ोरों का हक होता है, ठीक है कि नहीं? इस तरह के सभी लोगों का हक होता है हर किसी के माल में, जिसका ज़्यादा माल है उसमें ज़्यादा हक है औरों का, जिसका थोड़ा माल है उसमें भी हक है लेकिन थोड़ा सा है, थोड़े वाले मालदार को थोड़ा माल निकालना है, ज़्यादा वाले मालदार को ज़्यादा माल निकालना है, लेकिन सब का सब अपने पेट में डालता है और मसला ख़त्म। जनाब कुछ दीजिए अल्लाह के नाम पर, माफ़ रखो भाई कुछ नहीं है, जेब भी कभी भरे होते हैं और घर तो घर भर तो भरा होता ही है,
लेकिन देते नहीं हैं। और इस आयत को हम भूल जाते, अल्लाह के हुक्म को भूल जाते। तो लिहाजा इस हक के बारे में सवाल होगा, ये आप उस पे मिन्नत नहीं रख रहे हैं, आपके माल में उसका हक है। जब आप किसी फ़कीर को, मुस्तहक को देते हैं, तो ये ना कहिए कि हमने उसे मिन्नत रख ली कि उसे दे दिया, नहीं, ये उसका हक है, अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। आप दे देंगे तो हक अदाई हो गई, आपके कंधों पर से बोझ जो है वो उतर गया। आप नहीं देंगे, बस अपने ऊपर खर्च करते रहेंगे, अपने घर पर खर्च करेंगे, अपनी गाड़ियों पर खर्च करेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ों पर खर्च करेंगे, लेकिन ये हक अदा नहीं करेंगे। तो लोगों का हक, हक़ुन्नास ये नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं, वगैरह चीज़ों का हक नहीं है। हम कहेंगे अल्लाह माफ़ करना, मैं ज़ईफ़ था, बीमार था, नहीं पढ़ सका, जहालत में था, अंधेरे में था, इल्म के नूर से दूर था, नहीं मालूम था, माफ़ कीजिएगा, मग़फ़िरत कीजिएगा, आप तो गफूर रहीम है। थोड़ा सा बटरिंग करके तो उसको कह सकते हैं हमें माफ़ करो, लेकिन इसका क्या बनेगा, क्योंकि उसका अपना तो ये नहीं है, ये औरों का हक है, लोगों का हक तो अल्लाह कहेगा मेरा इख्तियार नहीं, या तो वही जिनका हक है, या तो वही आपको बख्शने चाहिए, वही आपसे दरगुजर करें तो करें, वही आपको बख्श लें तो बख्श लें, कहे हमारा आपके पास हक था, आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम अब बख्श दें तो चलेगा। लेकिन अब आप उनको कहाँ से ढूंढेंगे, कोई आया है कुपवारे से, कोई आया है वखरवन से, कोई आया है तालपोरा से, कोई आया है गोतपोरा से, कोई आया है पता नहीं कहाँ कहाँ से, और वो आपके दरवाज़े पर आ गए, या कहीं सड़क पर मिल के हाथ फैलाया, और वो आपको अंदाज़ा हो रहा है हाँ ये मुस्तहक हैं, तो फ़ी अव्वालहिम हक़ु मालूम अल्लज़ीना, वो लोग जिनके माल में हक़ है मालूम, पता है कौन सा हक़ है, गरीबों का हक़ है। और कमाल ये है कि हम उसका भी ख्याल नहीं करते हैं, इमाम ज़माना का हक़ है, क्या हम अदा करते हैं, मुमकिन है कर रहे हूँ कोई, हम नहीं कहेंगे नहीं करते, लेकिन क्या हिसाब करके अदा करते हैं, क्या नाप के तोल के अदा करते हैं, साल भर का हिसाब रखते हैं, क्या आपके पास लेजर होती है, क्या आपके पास डे बुक होता है, साल भर की अपनी आमदनी का हिसाब रखने की, साल भर की अपने खर्च का हिसाब रखने का, और फिर आखिर पे जो आपकी आमदनी है उससे खर्चा मिन्हा करें, माइनस करें, तफरीक करें, और बाकी जो बचेगा उसका पाँचवा आपको खम्स देना है, क्या हम ऐसा करते हैं, नहीं करते, आम तौर पर नहीं करते, कुछ लोग करते होंगे लेकिन आम तौर पर नहीं करते हैं। कहते हैं ओहो साल भर मेरे पास तो कर्ज़ा ही चढ़ता है, तो मेरे पास कहाँ बचता है। आपका कहना सही होगा, लेकिन आप ये तखमीन से कहते हैं, जन से कहते हैं, अंदाजे से कहते हैं। ज़रा दिखाओ अपनी किताब, अपनी कॉपी, अपना डे बुक, अपनी लेजर दिखाओ साल भर की, आपके पास नहीं होगी। यानी आप इसको सहल समझते हैं, आसान समझते हैं, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो बहरहाल, तो इसमें बताइए कहाँ है मध्य मुनफसिल, हाँ जी, ये या है हरफ़ मद और ये है हमज़ा, फ़ी अम्वालिहिम हक़ु मालूम, फ़ी और अम्वालिहिम, ये है मध्य मुनफसिल। अब देखना है कि इसको मध्य मुनफसिल क्यों कहते हैं, उसके लिए दो चार जुमले, आप दो तीन जुमले, एक दो जुमले कम से कम लिख के रखें। सुमिया फ़ेल मजहूल सुमिया, एक होता है फ़ेल मारूफ जिसमें फ़ाइल मालूम हो, एक होता है फ़ेल मजहूल जिसमें फ़ाइल मालूम ना हो, मफूल मालूम हो लेकिन फ़ाइल मालूम ना हो। सुमिया इसको नाम दिया गया है, किसने नाम दिया है बताया है, नहीं बताया, ये नाम इसको किसने दिया है पता नहीं, मालूम नहीं,
लेकिन किसको नाम दिया गया मफूल क्या है, मफूल है मद मुनफसिल, ये मालूम है, इन्हें मफूल मालूम है लेकिन फ़ाइल मालूम नहीं। जहाँ फ़ाइल मालूम नहीं है उस फ़ैल को फ़ैल मजहूल कहते हैं, और उसकी शक्ल ये होती है, पहले पे पेश, दूसरे पे ज़ेर और तीसरे हरफ पर ज़बर। सुमिया कुतिला क़द कुतिला हुसैन फ़ी करबला, यकीनन हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में कत्ल किया गया। किसने किया, क्या एक ने किया, बहुतों ने किया, किसी एक ख़ास को नहीं पकड़ेंगे, सबको सबको पकड़ेंगे, लेकिन जो मकतूल है वो मालूम है, मारूफ है, हर कोई जानता है, हुसैन है अलैहिस्सलाम। को तेला को इस तरफ ये देखें, को ते ला शक्ल यही होती है, पहला मज़मून, दूसरा मकसूर और तीसरा मफ्तू। कोतिला ये फ़ैल मजहूल की शक्ल होती है। कोतिला फ़ुइला किया गया, उमिला अमल किया गया, ठीक है ना, इस तरह कोई भी फ़ैल इसी शक्ल का होता है। सुमिया मुनफसिला, इसको मद को मुनफसिल कहा जाता है, मुनफसिलान एलान है ये अलिफ इज़ाफ़ी, इसको मुनफसिल कहा जाता है, किस लिए, ले इन्फिसाले, दूर होने की वजह से, ले इन्फिसाले, इन्फिसाले, ले इन्फिसाले, इन्फिसाल होने की वजह से, इत्तिसाल ना होने की वजह से, इन्फिसाल होने की वजह से, ले इन्फिसाले किस चीज़ के दरमियान इत्तिसाल होने के, इन्फिसाल होने की वजह से, हरफिल मद का, हरफ इन्फिसाल हरफिल मद, किस में, किस से, अनिल हमजा, अनिल हमजा, क्यों जी कहते हैं इसको मुनफसिल, इसलिए मुनफसिल इसलिए कहते हैं, सुमी या मुनफसिल, इसको मुनफसिल कहते हैं, क्यों कहते हैं, ले इन्फिसाल दूर होने की वजह से, हरफिल मद, हरफ मद के, किससे, अनिल हमजा, हमजा से दूर होने की वजह से, दूर होने का मतलब क्या है, दो अलग अलग कल्बों में होने की वजह से, पास पास में नहीं है, दूर है एक दूसरे से, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, क्या ये मद वाजिब है, कहते हैं नहीं ये वाजिब नहीं, तो लिहाजा युसम्मी जायज़न, ये दूसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात ये, युसम्मी, युसम्मी जायज़न, इसको जायज़ कहा जाता है, ये वाजिब नहीं, लाइस वाजिबान, फिर क्या है जी, ये समी जायज़ है, ये जायज़ है, जायज़ है, करेंगे आप अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो मजबूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। ये समी जायज़ान किस वजह से, ले जवाज़े, क्योंकि इसमें जवाज़ है, यानी जायज़ है, कौन सी चीज़ जायज़ है, ले जवाज़े कसर है व मद है, चाहे आप कसर करें वो भी जायज़ है, चाहे आप मद करें वो भी जायज़ है, सम्मी जायज़ है, मद मुनफसिल जायज़ है, इसको जायज़ नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, गोया मद मुनफसिल मुनफसिल है लेकिन साथ में जायज़ भी है, जायज़ क्यों कहा गया है, युसम्मी पे तशदीद, युसम्मी जायज़न, इसको जायज़ नाम दिया जाता है, क्यों, ले जवाज़े कसर ही व मद ही, क्योंकि उसके कसर करने में और उसके मद पढ़ने में जायज़ हैं, दोनों चीज़ें जायज़ हैं, चाहे आप कसर करें चाहे आप मद पढ़ें, हालांकि कसर और मद एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जहां मद पढ़ा जाएगा वहां कसर नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर कसर पढ़ा जाएगा तो मद नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन इन दो मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान, इन दो एक दूसरे मुख्तलिफ़ कैफियत के दरमियान आपको जवाब, आपको इख्तियार है, आज जायज़ है कसर पढ़िए वो भी जायज़ है, मद पढ़िए वो भी जायज़ है। युसम्मा जायज़न ले जवाज़े कसर ही व मद ही, जायज़ होने की वजह से कसर हो या मद हो, दोनों चीज़ें जायज़ हैं, इसलिए इसको मद मुनफसिल जायज़ कहा जाता है, मद मुनफसिल जायज़। और अब इसमें जब दोनों चीज़ें हैं तो अगर मद करें कितना करें, और अगर कसर करें तो कितना करें, क्या कसर कितना कर, यानी बिल्कुल कसर में आएगा नहीं,
तो फिर क्या होगा, नंबर एक मत अगर होगा, या मुद्दो यानी लंबा किया जाता अगर मत पढ़े, या मुद्दो या मुद्दो या मु या मुद्दो डाल दो, या मुद्दो लंबा किया जाता है, खींचा जाता है, या मुद्दो अरबा जैसे उधर था मध्य मुतसिल में अरबा आओ खम्स हरकातें, ये खींचा जाता है, खींचा जाता है, लंबा पढ़ा जाता है, हरकत को लंबा किया जाता है, यानी आवाज़ को लंबा किया जाता है। कौन सी चीज़ लंबी की जाती है, साउथ आवाज़, आवाज़ लंबी की जाती है, या मुद्दो कितनी लंबी की जा सकती है, अरबा आओ खम्स हरकातें, या चार हरकतों के बराबर, या पांच हरकतों के बराबर, एक दो तीन चार पांच, इतनी देर तक आप बोलते रहेंगे। अगर आप फैसला करेंगे मात पढ़ने का, यानी मात और कसर कितना, ये जूज़ो ये जूज़ो चूँकि जायज़ है इसलिए इसमें जायज़ है, ये जूज़ यानी जायज़ है, आप कसर नहीं छोटा करना है, कसर पढ़ना है, लेकिन कसर का मतलब नहीं कसर यानी बिल्कुल एक ही हरकत, नहीं लंबा करना है, लेकिन कितना, ये जूज़ो मदहु कितना बेमकदार हरकतें, आपको पता है कि जो हर्फ मद होता है वाव अलिफिया, इसको जहाँ भी पढ़ेंगे दो हरकतों के बराबर पढ़ा जाता है, लिहाजा ये दो हरकतें जो है हरकतें, दो हरकतें ये मध्य हर्फ मद जो है, मध्य हर्फ जो है उसकी अपनी नॉर्मल जो है लंबा करना है उसका है, तो ये इसको कसर ही तस्वूर किया जाएगा। अगर हर्फ मद नहीं होता तो कसर का मतलब है एक ही हरकत ज़बर ज़ेर या पेश, मगर चूंकि हर्फ मद ही है इसको वैसे ही दो हरकतों के बराबर पढ़ना होता है, लिहाजा इसका कसर जो है वो वही दो हरकतें तस्वूर किया जाएगा, मद मुनफसिल का कोई असर नहीं पड़ेगा, अपने हर्फ मद की जो हरकत है वो पढ़ी जाएगी और वही इसका कसर है, इसका कसर ये दो हरकतें हैं नॉर्मल, यानी नॉर्मली ये इसका कसर है, किसका कसर, हर्फ मद्दी का, हर्फ मद्दी का, यानी हर्फ मद्दी सिर्फ दो हरकतों के बराबर पढ़ना होता है, तो लिहाजा जब दो हरकतों के बराबर पढ़ा तो गोया हमने इसे मामूल से ज़्यादा मद नहीं दिया यानी कसर किया, वरना कसर का मतलब होता है एक ही हरकत लेकिन गैर मद्दी हरूफ के अंदर, बाकी हर्फ मद जो है उनका कसर नॉर्मली उनका पढ़ना है दो हरकतों के बराबर, क्योंकि वो हरूफ मद्दी हैं, उनका नॉर्मल मद जो है वो दो हरकतों के बराबर है, इसलिए उसको कसर कहेंगे, और जब लंबा उससे ज़्यादा करना होगा एब नॉर्मली एक्सटेंड करना पड़ेगा तो वो उसका मद हो वो क्या है, अरबा और खमसा हरकातें, ये चार पॉइंट चार जुमले काफ़ी हैं इसके बारे में। अब इसके आगे चलेंगे और वो है अगला, नहीं टाइम ख़त्म हो गया तो इसलिए यहीं रुक जाते हैं, तो इंशाल्लाह कर मद्दुल बदल इंशाल्लाह कर पढ़ेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।